यमुनानगर में तेज रफ्तार कार ने दो लोगों की जान ले ली और सीसीटीवी कैमरे में ये जो फुटेज है वो कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है। टक्कर मारकर कार सवार मौके से फरार हो गया है और ये सीसीटीवी फुटेज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेज गति में ये कार थी और बाइक सवार और बाइक को काफी दूर तक ये घसीटते हुए ले गई अपने साथ। बताया जा रहा है कि मौके से कार सवार है वो फरार बताया जा रहा है। कार ड्राइवर मौके से फरार है, वहीं बाइक पर सवार दो लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। यमुनानगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर तेज रफ्तार कार ने दो लोगों की जान ले ली है। शहर के पॉश इलाके मॉडल टाउन की यह घटना है। मॉडल टाउन में ये घटना हुई है। तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मारी। इस जोरदार टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। रात के समय की ये घटना है और देखने वाली बात होगी कि ये जो कार चालक है इसके बारे में क्या पता चल पाता है, क्या ये नशे में सवार था, वजह क्या थी इस तरह ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने की। और यहां पर आप देख रहे हैं कि बाइक वाले ने अपनी बाइक रोकी, उसने अपने बाइक की गति धीमी की, बाइक को रोक दिया, लेकिन ये कार इतनी तेज गति में थी कि बाइक सवार को बाइक समेत रौंदती ले गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए यमुनानगर से मेरे सहयोगी सुनील कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, पूरे मामले पर और क्या अपडेट आप दे पाएंगे? आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो जो ये जहाँ का इलाका है यह अति व्यस्त इलाका है यमुनानगर का, लेकिन जिस समय यह घटना हुई करीब रात के 11:30 बजे, उस वक्त यह जो है बिल्कुल खाली के बराबर हो जाता है। उस दौरान जो है बाइक सवार बड़े आराम से अपनी बाइक पर जा रहा था। आपने सीसीटीवी की तस्वीरों में देखा कि दो पहले आगे एक बाइक सवार जा रहा है, अकेला है, उसके पीछे जो है दो बाइक सवार इकट्ठे जा रहे हैं, तो पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी चालक जो था उसे नियंत्रित नहीं कर पाया और गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर बाइक से जा टकराई और गाड़ी वाला जो है गाड़ी लेकर तुरंत मौके से फरार हो गया और ये जो है तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि जो गाड़ी चालक है वह अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया है और दोनों जो मृतक हैं वह न्यू अमिता कॉलोनी के बताए जा रहे हैं, जिनका जो है अभी शव मोर्चरी में है, पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है, जहां पर उनके परिजन भी मौजूद हैं और जल्द ही उनका पोस्टमार्टम कर लिया जाएगा। पुलिस जो है पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है, क्या ये जो कार है या कार चालक है उसके बारे में कुछ भी किसी भी तरह की कोई जानकारी मिल पाई हो? पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर कार की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस कार को काबू कर लिया जाएगा और कार चालक को भी काबू कर लिया जाएगा, जिसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि क्या आखिर कार चालक नशे में था या फिर तेज गति की वजह से अनियंत्रित हो गई गाड़ी, ये उसके बाद ही पता चल पाएगा। और सुनील, सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर ये दिखा रही है कि जिन दो लोगों की मौत हुई है, जो लोग बाइक पर सवार थे, उन्होंने उनकी बाइक की रफ्तार तेज नहीं थी और उन्होंने कहीं ना कहीं किसी हद तक बाइक को रोक भी दिया था, लेकिन ये कार इतनी तेज स्पीड में थी, इतनी तेज गति में थी कि रुकी हुई बाइक को भी रौंदती ही ले गई। जी बिल्कुल, जहां ये घटना हुई है वहां पर जो है घुमावदार मोड़ है और जो है गाड़ी पीछे से ही बड़ी तेज स्पीड में थी और जब उसने घुमाने की कोशिश की है तो अचानक जो है बाइक पर चढ़ गई है गाड़ी, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। जहां के ये पॉइंट है जहां पर हादसा हुआ है वहां पर जो है घुमावदार मोड़ है। चलिए सुनील, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, साथ ही जो बाइक पर सवार दोनों युवक थे उनकी मौत हो गई है, गाड़ी चालक को ढूंढने की कोशिश की जा रही है।